हेलो दोस्तों, कैसे हैं? सुनो, उम्मीद करता हूँ आप सुनो बढ़िया। दोस्तों, जो एक टाइम जो वोडाफोन आइडिया, ये सारी जो कंपनियां, ये 3 मई तक आपको इनकी सर्विसेज जो फ्री मिलने वाली है। तो कैसे आपको फ्री मिलेंगे, क्या है पूरी खबर जानेंगे इस वीडियो में। तो अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब वीडियो पहले लाइक करो, मैं फिर लगा सकता हूँ। चलिए करते हैं लाइक। आगे तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी तरफ से लॉकडाउन है उसको 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। तो उसे जो पहले जो लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया गया था फर्स्ट बार में, तो वो 14 अप्रैल तक किया गया था। तो जो टेलीकॉम कंपनियां जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, इन सभी ने अपने यूजर्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए फ्री में रिचार्ज किए थे, फ्री में सर्विसेज दी थी। जैसे कि एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, इन सभी ने 10-10 रुपये का टॉक टाइम अपने यूजर्स को दिया था, और साथ ही 17 अप्रैल तक की थी। और अगर जियो की बात करें तो जियो ने यहाँ पे फोन यूजर्स को 100 SMS और साथ ही साथ 100 SMS दिए थे। लेकिन दोस्तों, अब जब लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया 3 मई तक, तो जो ट्राई के एक बड़े अधिकारी है, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने सभी टेलीकॉम कंपनियों से कहा है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, इन सभी टेलीकॉम कंपनियों से कहा है कि ये भी अपने यूजर्स को, कस्टमर्स को फ्री में सर्विसेज दें 3 मई तक। क्योंकि आपको पता है कि अभी दुकानें वगैरह तो बंद है, तो कोई रिचार्ज नहीं करा सकता, और साथ साथ जो कई लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट से रिचार्ज करना भी नहीं जानते हैं। इसी को देखते हुए ट्राई ने इन सभी कंपनियों से कहा है कि ये 3 मई तक और फ्री सर्विसेज दें। तो अभी तक इन कंपनियों की तरफ से कोई भी यहाँ से अनाउंसमेंट नहीं हुई है। जैसी कोई नई अपडेट आती है इनकी तरफ से, मैं आपको तुरंत वीडियो बना के बता दूंगा। उसके लिए कर लाइक, क्योंकि मैं आपके मिलते हैं आपसे।